हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित राजगढ़ जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, राजगढ़ जिला, यह ज़िला भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित मध्य प्रदेश के कुल 52 जिलों में से एक राजगढ़ जिला के नाम से जाना जाता है। राजगढ़ जिले का हेड क्वार्टर ऑफिस राजगढ़ शहर में मौजूद है और राजगढ़ जिला भोपाल मंडल के अंतर्गत आता है। राजगढ़ जिला के उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान के जिले, उत्तर पूर्व दिशा में गुना जिला, पूर्व दिशा में भोपाल जिला और दक्षिण पूर्व दिशा में सीहोर जिला और दक्षिण पश्चिम में शाजापुर जिला से घिरा हुआ है। राजगढ़ जिला में 9 तहसील, 6 ब्लॉक, 21 पुलिस स्टेशन, 3 सरकारी अस्पताल, 12 विश्वविद्यालय, 13 बैंक, 1 डाकघर, 14 नगर पालिका, 622 ग्राम पंचायतें और 1728 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो राजगढ़ जिले का कुल क्षेत्रफल 6154 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राजगढ़ जिला की कुल आबादी 15,45,814 है। इस 15,45,814 में पुरुषों की कुल आबादी 7,90,212 और महिला की कुल आबादी 7,55,602 है। राजगढ़ जिले का औसत लिंगानुपात 956 के करीब है, यानी कि यहाँ पर 1,000 पुरुष पर 956 महिला हैं। राजगढ़ जिले के मुख्य नदी का नाम काली नदी है। काली नदी के किनारे पर बसा यह जिला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से महज 306 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 893 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। शिक्षा की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 61% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 61% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, भारती विद्या मंदिर हाई स्कूल, केके मेमोरियल पब्लिक विद्यालय, राजेश्वर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ये सभी इसी जिला में मौजूद हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो यह जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। राजगढ़ जिला में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर टूरिस्ट घूमकर आनंद ले सकते हैं। वैसे इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में शुमार श्रीनाथ जी का मंदिर, घरेलू पशुपुनाथ मंदिर, शनि मंदिर, कपिलेश्वर महादेव मंदिर, श्री तिरुपति बालाजी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, कुंडालिया डैम, मोहनपुरा डैम, अंजीर लाल मंदिर आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। ये सभी इस राजगढ़ जिला के पर्यटन स्थल हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के लोग मध्य प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। वैसे इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 3 और नेशनल हाईवे संख्या 32 गुजरती है, जो आगे चलकर मध्य प्रदेश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। यह जिला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो इस जिले के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम बिजारा राजगढ़ रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, राजगढ़ जिला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियोस पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।